जो भी सुविधा आपको मिलता है आप भी छोड़ दीजिए, हम भी छोड़ने के लिए तैयार है। है दम है तो आप भी छोड़ दो, हम भी छोड़ने के लिए तैयार है। मुर्दाबाद, पंचायती राज मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी। मुखिया चोर है, डस्टबिन बांटा जा रहा है, डस्टबिन के लिए कितना पैसा सरकार दिया, 20 रुपए के इतनी को बाल्टी देता है, बाल्टी जो 10 दिन भी नहीं चलेगा, और उससे ज्यादा भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलता है, सारी सुविधा उनको मिलता है, और ये चलते हैं समाज सेवा करने। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर समाज सेवा करना है, आम लोगों की सेवा करना है, तो आप ही अपना जो भी दे दिया वहाँ पर बॉर्ड वाला के बांटता है, तो जनता बॉर्ड वाला के देह पर डस्टबिन बिक रहा है, तमार खाने के लिए बाढ़ है। संविधान के हिसाब से चलते हैं, उसी संविधान के पन्ने को उलटा जाता है और उसको देखा जाता है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, उस संविधान के तहत हम लोग काम करते हैं। और संविधान के तहत देखिए, मैं उनसे बात करूंगा कि अनपढ़ जाहिल लोग आखिर अनपढ़ जाहिल लोग हैं या फिर पढ़े लिखे भी लोग हैं? कितना तक पढ़े लिखे हैं भैया? इंटर। इंटर आप कहाँ तक पढ़े लिखे? ग्रेजुएशन है। चलिए, आप कितना पढ़े लिखे? बीएससी हैं। आप पढ़े लिखे? हम 1986 का मैट्रिक है। अच्छा, मैट्रिक है, मैट्रिक ग्रेजुएशन भी। आप आई एस सी ग्रेजुएशन अभी पढ़े लिखे मैट्रिक। चलिए देख, आप समझ सकते हैं। और बात करते हैं संस्कार की और चेहरों की, तो आप चेहरे से पहचान सकते देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग हैं। और जो जाहिल की बात करते हैं मंत्री जी, तो आज मैं उन पढ़े लिखे लोगों से, उन जाहिलों से भी बात करवाऊंगा कि आप समझ सकते हैं इनकी वाणी को समझ के, इनकी बात को समझ सकते हैं कि कैसे ये जाहिल है या भी पढ़े लिखे, इनके अंदर कुछ काबिलियत है या नहीं है, ये पंचायत को चला सकते हैं या नहीं चला सकते, ये अपने वार्ड को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, यही बात करने के लिए चाहेंगे सर। जो मंत्री जी का बयान है कि आप लोग जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और वार्ड को नहीं चला सकते। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग छोटे प्रतिनिधि हैं, वो बड़े प्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र की प्रथम इकाई। हाँ, प्रथम इकाई हम लोग हैं और गांव के सबसे छोटे प्रतिनिधि हम लोग होते हैं, पंचायत के सबसे छोटे प्रतिनिधि होते हैं। तो सबसे पहले एक प्रतिनिधि को एक प्रतिनिधि का मान और सम्मान करना चाहिए। जिस चुनाव के तहत, जिस संविधान के नियम नियमावली के तहत वो चुनाव जीते हैं, उस तरह हम लोग भी चुनाव जीते हैं। उनका भी नामांकन होता है, हम लोग का भी नामांकन होता है, उनको भी चुनाव चिन्ह दिया जाता है, हमें भी चुनाव चिन्ह दिया जाता है, उनका भी प्रचार प्रसार होता है, हमारा भी प्रचार प्रसार होता है, उनका भी वोटिंग होता है और मेरा भी वोटिंग ईवीएम के तहत होता है, उनका भी बटन दबाया जाता है और हमारा भी बटन दबाया जाता है, और इस आधार पर हम लोग चुनाव जीतते हैं। तो ये बड़े प्रतिनिधि और हम लोग छोटे प्रतिनिधि हैं। और जो रह गई बात जो हर सदस्यों के बारे में उन्होंने जाहिल, गंवार और अनपढ़ कहा, तो मैं खुला चुनौती इस धरना स्थल के माध्यम से देना चाहता हूं कि माननीय गौतम मुरारी जी, आप स्थल पर आ जाएं और हमारे जो भी वार्ड सदस्य हैं उनसे जरा वार्तालाप कर लें। आप वार्तालाप कर लें कि भाई कौन गंवार है, कौन अनपढ़ है, कौन क्या है। मैं ये भी कहता हूं, मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं, मैं वादा करता हूं कि अगर वो सक्षम हुए, अगर हमसे वार्तालाप में वो जीत गए, तो निश्चित रूप से वो जहाँ कहेंगे वहाँ हम इस्तीफा देने के लिए। तो मंत्री जी को आप चुनौती दे रहे हैं? अच्छा, हम चुनौती दे रहे हैं इस बात पर, चुनौती दे रहे हैं जब वो जाहिल का डिबेट करने के लिए दे रहे हैं। हाँ, एकदम दे रहे हैं, वो आ जाए और हमारी बातों को सुने। अच्छा। हमसे वार्तालाप कर लें कि भाई आखिर जो अनपढ़ आपने कहा तो किस लहजे में और क्यों आपने कहा, किस आधार पर कहा? हाँ, किस आधार पर कहा कि हम अनपढ़ हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, रह गए विकास की बात, तो गांव का एक एक बात, एक एक नली, एक एक गली, एक एक वृद्धा पेंशन लाभार्थियों का नाम, एक एक इंदिरा आवास लाभार्थियों का नाम, एक एक विकलांग पेंशन लाभार्थियों का नाम, एक एक राशन कार्ड धारी का नाम वार्ड सदस्य के जुबान पर होता है। वो कंप्यूटर एक बार दाबेगा और पता चल जाएगा किसका आवास बना है, किसका आवास नहीं बना है, कहाँ विकास करना है, कहाँ विकास नहीं करना है। तो वहाँ का जो है, वो जो वार्ड सदस्य होता है, वो असली प्रतिनिधि होता है, और उस प्रतिनिधि के भरोसे यहाँ से लेकर पंचायत और पंचायत से लेकर प्रखंड तक और प्रखंड से लेकर जिला तक और जिला से लेकर राज्य तक ये विकास का जो बात है, जो चलो गांव की ओर और बिहार को बिहार बनाने की बात है, तो जब तक वार्ड सदस्य नहीं चाहेगा तब तक बिहार बिहार नहीं बन पाएगा। रह गई बात, एक मैं आपको एक ही बता दूं, वार्ड सदस्यों को एक बहुत बड़ा अपमान किया जाता है, जानते हैं क्या? 500 रुपया पेंशन दिया जाता है,
ये पेंशन क्या है? मानदेय है, मैंने महीना का। हाँ, महीना भत्ता, वो भत्ता 500 रुपया दिया जाता है। क्या है 500 रुपया का मतलब? इसका रोज जरा जोड़ लीजिए। एक मनरेगा का जो मजदूर का जो मजदूरी है वो भी उसको नहीं दिया जाता है, ये बड़ी शर्म की बात है। और रह गई बात विधायक और मंत्रियों का, जरा उसका देख लीजिए। अभी इन लोगों का जो सैलरी है अभी 14,000 रुपया तुरंत बढ़ा है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों रुपया ये लोग अपने टीए डीए और अपने में खर्च करते हैं। और ये जब हार भी जाते हैं, एक बार चुनाव जीत लिए तो समझिए कि आजीवन इन लोगों को पेंशन मिलता है। आलीशान भवन भी मिलेगा, आलीशान भवन भी मिलता है, उसके बाद बॉडीगार्ड भी मिलता है, गाड़ी भी मिलता है, तेल भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलता है, सारी सुविधा उनको मिलता है। और ये चलते हैं समाज सेवा करने। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर समाज सेवा करना है, आम लोगों की सेवा करना है, तो आप ही अपना जो भी सुविधा आपको मिलता है आप भी छोड़ दीजिए, हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। है दम है तो आप भी छोड़ दो, हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दर्द है ये पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों में ये दर्द है। हम लोग अंदर से बहुत जले हुए लोग हैं। मैं आपको बता दूं, वार्ड सदस्य जिस आशा और विश्वास पर, जिस विकास के नाम पर चुनाव जीत कर आया था, आज हमारे जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि आप लोग को एक साल हो गया, आप विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा जो वित्तीय अधिकार है उसको छीना गया है। तो इसका जो खामियाजा है, आने वाला जो मौजूदा सरकार जो बैठे हैं, जो चाचा भतीजे की जो सरकार बैठे हैं, मैं बता दूं कि चाचा भतीजे की सरकार को इसके बार पता चल जाएगा। कोई मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है तो कोई प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, आने वाले दिन में वो साकार नहीं होगा। और मैं बता दूं, ये वार्ड सदस्य जो होते हैं ये बड़े गरीब प्रतिनिधि होते हैं, ये बड़े गरीब प्रतिनिधि होते हैं। ये जो बड़े बड़े जो पार्टी के लोग हैं, ये जब चुनाव लड़ते हैं तो इनको पार्टी फंडिंग देती है। ये फंड लो 2,550,00,000 रुपया देता है कि चुनाव प्रचार में तुम खर्च करो। इसके अलावा बड़े बड़े नेता, अन्य राज्यों से नेता आते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसका चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन मेरा कोई चुनाव प्रचार नहीं करता। मैं अपने बलबूते, अपने एरिया के आधार पर हम लोग चुनाव जीतते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो दिन होगा, अगर वार्ड सदस्यों की बात नहीं सुनी गई तो आने वाला दिन सत्ता में बने लोगों के लिए ये बढ़िया संदेश नहीं जाएगा। चलिए देखिए, मैं बता दूं, इस आंदोलन में एक महापुरुष का नाम बार बार लिया जा रहा है। वो महापुरुष का नाम बाबा साहब अम्बेडकर का बार बार नाम लिया जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना किया, बाबा साहब के लिखे संविधान को इन्होंने नकारा, बाबा साहब के लिखे संविधान को ऊपर टिप्पणी किया। ये कहाँ से शब्द इन्होंने चुन के बाबा साहब के अम्बेडकर के, जो लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो लेकर ये लोग फोकस करके आंदोलन को ये कर रहे हैं। ये फोकस की बात नहीं है, अरे यही सत्य है, ये फोकस की बात नहीं है, ये तो विपक्षियों का ये ताना बुना लग रहा है। कल कह रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात, बाबा साहब अम्बेडकर को नाम लेकर ही लोग। नहीं, कल संविधान दिवस था और हम लोगों ने यहाँ उनको हार्दिक नमन हम लोगों ने किया। और संविधान में जो उन्होंने नियम बनाया, आज संविधान के तहत चलता है। और मैं बता दूं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब संविधान के हिसाब से चलते हैं। उसी संविधान के पन्ने को उलाटा जाता है और उसको देखा जाता है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, उस संविधान के तहत हम लोग काम करते हैं। और संविधान के तहत जो काम नहीं करते हैं वही दोषी करार होते हैं। उसी संविधान के पन्ने में वार्ड सदस्य का भी नाम कहीं ना कहीं दर्ज है, एकदम दर्ज है। प्रतिनिधि का नाम दर्ज है, वार्ड सदस्यों का नाम दर्ज है। इसी आधार पर हम लोग चाहते हैं कि हमारे मान सम्मान की रक्षा हो, हम जो चाहें तो अपने मन से विकास करें, हमारा जो मान सम्मान हो वो हमारे वार्ड में रह जाए। और इसके अलावा वो सांसद, विधायक या कोई भी किसी भी फंड से कोई काम होता है तो हमारे, चूँकि वहाँ के हम अध्यक्ष हैं, वहाँ के हम मुखिया हैं, वहाँ के हम विधायक हैं, वहाँ के हम सबसे बड़े प्रतिनिधि, वार्ड के सबसे बड़े प्रतिनिधि वार्ड सदस्य होते हैं। तो हमारे देखरेख में, हमारे जानकारी में जो भी कोई काम हो तो वहाँ का जो राशि है, जो प्रकरण राशि है वो हमारी जानकारी में हो, सबसे पहले बोर्ड लगे। और बोर्ड पर मुखिया के अलावा, इसके अलावा जो योजना कराता है, चाहे विधायक की बात हो चाहे संसद की बात हो, उसमें वार्ड सदस्य अध्यक्ष का भी नाम हर हाल में अंकित हो, ये मान सम्मान हम लोग लेना चाहते हैं। सर ये बताइए, अभी ठंड काफ़ी, मतलब समय समय से ठंड जो है काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है, तो ठंड की मौसम जो है काफी कभी आप लोगों को दिक्कत देगी? संघर्षशील आदमी को ठंड कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हम लोग संघर्षशील हैं, हम लोग रात के भी मच्छरदानी लगा के सोए हैं। संघर्ष करने वाले आदमी ठंड अब पानी या बरसात को कुछ नहीं देखेंगे। हमको अधिकार चाहिए। चार दीवार के अंदर रह के आप मच्छर बत्ती लाते हैं और मच्छर भगाने के लिए बहुत कुछ लाते हैं। ये लोग मच्छर के साथ में सो रहे हैं और ठंडा को अपना दोस्ती बना के लोग साथ। संघर्षशील हैं, हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम सरकार से अपना हक लेके रहेंगे।
अब वार्ड वाला के चोर बताया जा रहा है, अभी वीडियो चोर है, मुखिया चोर है, डस्टबिन बांटा जा रहा है, डस्टबिन के लिए कितना पैसा सरकार दिया, अब 20 रुपए के इतनी को बाल्टी देता है, बाल्टी जो 10 दिन भी नहीं चलेगा, और उससे कहता कि सालों साल कचरा बिकवावेंगे, वो कहाँ घोटाला गया, आज तो वार्ड नहीं है, आज तो वीडियो है, मुखिया कह रहा है डस्टबिन खरीद में जितना डस्टबिन खरीदा है, वो जो योजना योजना है सर, मेरी बात सुनो, वो जो योजना है बाढ़ के मतलब बाढ़ का अधीन आता है ना, बाढ़ का अधीन है, लेकिन बाढ़ वाला के पूछ कहाँ रहा है, वो भी बाढ़ काम नहीं करेगा, नहीं बाढ़ वाला के लाके लाठी खाला बाढ़ वाला के दे दिया बाल्टी, बाढ़ का काम है कि बाढ़ नियुक्त करेगा उसको, पूरा डस्टबिन के खरीदारी वीडियो लोग ने या मुखिया लोग पंचायत के कर लिया करके वेंडर से, और उसके बाद टोटल बाल्टी के पैसा खा गया, अब बाढ़ वाला को बांटने के लिए दे दिया, वहाँ पर बाढ़ वाला के बांटता है तो जनता बाढ़ वाला के देह पर डस्टबिन बिक रहा है, तो मार खाने के लिए बाढ़ है, और कमीशन खा लगे वीडियो मुखिया है, ये तो बाढ़ वाला की स्थिति है, अभी कहाँ बाढ़ वाला के किस पे करवाएंगे, अरे किस पे फायर करवाएंगे, जो योजना का संचालन कर रहा है, जन सूचना के अधिकार में हम लोग पूछेंगे, बीडीओ साहब चाहे सीओ चाहे कोई, बीडीओ से डरने वाले हम लोग है, बीडीओ से हम लोग डरने वाले नहीं है, पढ़े लिए लोग हैं और जनता का विकास करने आए हैं, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है, हमारे